तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सब देख लिया, बहुत ही सिंपल पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 10 ये अगर देखेंगे तो यू बाई वी रूल लग रहा है, बट इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का सा चेंज करेंगे एंड देन वी शैल सॉल्व दिस सम एज योर यू बाई वी रूल। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाई का वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, ये ई रेस टू 2x है प्लस, अगर आप सॉरी माइनस है, अगर आप ध्यान से देखें तो ई रेस टू माइनस 2x है, तो माइनस 2x हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई रेस टू 2x पॉजिटिव करने के लिए। सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर में भी करने वाला हूँ प्लस 1 अपॉन ई रेस टू 2x को। अच्छा अब जब ऐसे आपको वैल्यू दिख रहा है तो आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये ई रेस टू 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, ई रेस टू 4x और यहाँ पर होगा माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 2x, फिर द होल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ई रेस टू 4x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ई रेस टू 2x, तो ई रेस टू 2x ई रेस टू 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो टर्म बचता है दैट इज योर ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1, इतना बचता है। फिर इसके बाद आप फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जब आप x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to d by dx of e raise to 4x minus 1 upon e raise to 4x plus 1, ये इतना वैल्यू आएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर u by v रूल लगाना है। u by v रूल के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, v का वैल्यू लिखते हो e raise to 4x प्लस 1 लिखोगे, फिर आप क्या करोगे d by dx किसको डिफरेंशिएट करोगे, u को, तो ये हो जाएगा d by dx of e raise to 4x minus 1, फिर मेरा क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा e raise to 4x minus 1, फिर से मैं क्या करने वाला हूँ d by dx of ये वैल्यू प्लस वाले वैल्यू को यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा e raise to 4x plus 1 द होल डिवाइडेड बाय द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय e raise to 4x plus 1 द होल स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद जब मैं आगे से सॉल्व आउट करूंगा तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये वाला वैल्यू तो मेरा सेम रहेगा e raise to 4x plus 1, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर ये 1 का कांस्टेंट टर्म तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर e raise to x है तो d by dx of e raise to x कितना होता है, e raise to x ही होता है, बट यहाँ पर ये जो x है ये आपका नॉर्मल x नहीं है, तो इसका वापस क्या होगा डिफरेंशिएशन, दैट इज d by dx of 4x। आई होप आपको समझ में हमने क्या किया, फिर मैं माइनस का साइन डालूंगा, फिर ये पूरे ब्रैकेट मेरे सेम रहने वाले e raise to 4x minus 1, इसको डेरिवेट करूंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, e raise to 4x का क्या होगा, e raise to 4x होगा, और वापस मैं इसे क्या करूंगा डेरिवेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा d by dx of 4x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल x नहीं था, हमने कंपोजिट फंक्शन में शुरुआत क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे सम्स ऐसे किए, फिर ये हो जाएगा e raise to 4x plus 1 the whole square। अब जब आप इसे एक नेक्स्ट लेवल पे सॉल्व आउट करेंगे तो यहां पर देखिए ये e raise to 4x plus 1 ऐसे रहने वाला है, e raise to 4x plus 1 ये मेरा वैल्यू ऐसे रहेगा, उसके बाद e raise to 4x है, e raise to 4x रहेगा, फिर डॉट जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू 4 हो जाएगा, फिर मैं माइनस का साइन डालूंगा तो मैंने माइनस पुट अप कर दिया, फिर मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ये वैल्यू कितना है e raise to 4x minus 1, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा e raise to 4x minus 1 हो जाएगा ये फर्स्ट ब्रैकेट, जब इसको सॉल्व आउट करूंगा तो ये e raise to 4x मेरा ऐसे रहने वाला है और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e raise to 4x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय e raise to 4x plus 1 द होल स्क्वायर, e raise to 4x plus 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर आप कुछ बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, देखो ये 4 ये 4 ये बाहर आ सकता है, ये e raise to 4x e raise to 4x बाहर आ सकता है, तो मैं इसे क्या करूंगा 4 डॉट e raise to 4x को बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पर मेरा क्या बचा e raise to 4x plus 1 बचा, ये माइनस और यहाँ पर क्या है माइनस साइन अंदर चेंज करेगा ना, तो e raise to 4x हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय e raise to 4x plus 1 the होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो e raise to 4x कैंसिल आउट हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास द होल टोटल टर्म क्या बचता है e raise to 4x, 1 plus 1 कितना होगा 2 होगा, ये भी मल्टीप्लाई में अपॉन e raise to 4x plus 1 the होल स्क्वायर। अब जब इसे आगे फर्दर 4 टू 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 e raise to 4x डिवाइडेड बाय e raise to 4x plus 1 the होल स्क्वायर। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर मैं देखूं तो बहुत ही सिंपल होने वाला है ये सम। देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस, ये अगर मैं देखूं तो log a इंटू बी इंटू सी है, तो इधर है ना मैं क्या करेगा ना log का प्रॉपर्टी लगाएगा, log का प्रॉपर्टी लगाते ही मेरा सम सिंपल हो जाएगा, तो log का प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, log a इंटू बी रहता है तो उससे हम क्या लिखते हैं log a प्लस log b, तो यहाँ पर मैं सबको क्या करूँगा log tan क्यूब x फिर प्लस log sin 4x फिर प्लस
log x square plus 7 the whole raise to 7, ऐसे लिख दूंगा। अच्छा अब इसमें एक और स्टेप मैं करने वाला हूं, तो y का वैल्यू मेरा कितना है, देखो ये 3 है, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये बेस पावर को आप नीचे लेते हो तो ये कितना हो जाएगा log tan x, फिर प्लस सिमिलरली यहां पर करूंगा तो बेस पावर में होल पावर क्या है 4, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका log sin x, सिमिलरली इसके साथ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा x square plus 7। अब ये आपका इसका जो डेरिवेटिव है ये आपका बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या हो जाएगा आपका dy by dx हो जाएगा। अच्छा अगर ये dy by dx है तो सबके साथ dy by dx जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा d by dx ऑफ 3 log tan x प्लस d by dx ऑफ 4 log sin x प्लस d by dx ऑफ 7 log x square प्लस 7। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब इसका डेरिवेटिव आपको बहुत सिंपल जाएगा, देखिए इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आपका पहले तो बाहर आने वाला है, 3 आपका बाहर आ गया, d by dx ऑफ log x कितना होगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, तो यहाँ पर x की जगह को 1 है, tan x है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 by tan x, फिर वापस आप tan x को क्या करेंगे डेरिवेट, तो ये क्या हो जाएगा d by dx ऑफ tan x, फिर मैं प्लस का साइन डालूंगा, यहां पर अगर करूंगा तो 4 मेरा बाहर आ जाएगा, d by dx ऑफ log x कितना होता है 1 by x, तो 1 by x sin x है मेरा, फिर यहां पर मैं वापस क्या पुट अप करने वाला हूं d by dx ऑफ sin x पुट अप करूंगा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर मैं क्या करने वाला हूं 7 को बाहर लूंगा और d by dx ऑफ log x कितना होता है 1 by x, तो हो जाएगा 1 by x square plus 7, और वापस मैं यहां पर क्या लिखूंगा d by dx ऑफ x square plus 7। चलिए अब जब आगे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा 3 अपॉन tan x हो जाएगा, d by dx ऑफ tan x कितना होता है 6 स्क्वायर x होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन sin x हो जाएगा, d by dx ऑफ sin x क्या होता है cos x होता है। इसके आगे आप नहीं सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो आपका x है ये नॉर्मल डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव भी करेंगे तो आंसर बनाएगा, तो ये आपका यहीं तक आंसर रह जाएगा, ये cos x हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा ये 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 7 तो कांस्टेंट टर्म है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x पावर रेज़ टू 1। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये tan है, tan का tan को अगर मैं लिखूंगा तो tan कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 अपॉन ये tan है तो ये समझो आपका ये tan x हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया 6 square x हो गया, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका sin x इंटू ऊपर क्या है मेरा cos x है, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका x square plus 7 into बाजू में अगर मल्टीप्लाई करूँ 7 टू जा 14 तो ये हो जाएगा मेरा 14x। इसके अंदर और कुछ चेंजेस कर सकता हो क्या, एक चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा देखो 3 ये sec square है, tan को कैसे लिख सकता हूँ sin x upon cos x, फिर प्लस इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 cos x upon sin x, cos x upon sin x, फिर प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 14x अपॉन x square प्लस 7। अब जब मैं इसे आगे सॉल्व आउट करूंगा तो ध्यान से देखिए, इधर करता हूँ, ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा ही पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा sec square x है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3 sec square x अपॉन, ये देखो ये sin x को ऐसे लिखूंगा और ये cos x क्या मेरा 1 by cos x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x इंटू sec x, अगर आपको ध्यान से देखने में समझ में आया, तो ये sin x है, ये cos x को क्या लिखता हूँ cos x क्या 1 by cos x, 1 by cos x आपका क्या हो जाता है sec x हो जाता है, यहाँ पर देखूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 4, ये क्या है cos by sin क्या होता है cot x, फिर प्लस ये वैल्यू कितना है 14x, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। अब जब इससे मैं फर्दर सॉल्व आउट करूंगा तो यहाँ से एक sec का वैल्यू कट हो जाएगा, तो ये होगा 3 sec x अपॉन sin x, फिर प्लस 4 cot x, फिर प्लस 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इतना बड़ा आपका आंसर आएगा, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और इसमें हम देखेंगे कि ये यहाँ पर आपको ना 11 का आपको फॉर्मूला लगने वाला है। देखिए पहले आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे आप log ये अब जो आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पर 1 cos 3x है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा 1 cos थीटा, थीटा बाय 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये आपका फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2 sin square 3x by 2, और इसके नीचे वाला जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 2
cos square 3x by 2, ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस और माइनस की वजह से। चलिए अब जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y log, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्रैकेट, सब 2-2 कट हो जाएगा, फिर cos square और sin square कितना हो जाता है, tan square 3x by 2 हो जाएगा। अब यहाँ से square and square root कैंसिल होगा, square and square root जब आपका वैल्यू कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपके पास क्या बचेगा, y is equal to log tan 3x by 2 बचेगा सिर्फ। अच्छा अभी इसके बाद आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, सिंपल है। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जब आप x के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो ये क्या हो जाता है, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टैन 3x बाय 2। और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x मतलब 1 बाय टैन 3x बाय 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan 3x by 2। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल x नहीं था, तो इसके बाद अब जब इसे आगे आप डेरिवेट करेंगे तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 1 by tan 3x by 2 into d by dx of tan x कितना होता है, sec square x होता है, तो ये हो जाएगा sec square 3x by 2, और फिर आप क्या करोगे, d by dx of 3x by 2 वापस डेरिवेट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 tan 3x by 2 into ये हो जाएगा आपका sec square 3x by 2 into, इसको डेरिवेट करेंगे तो आंसर सिर्फ आएगा 3 by 2, क्योंकि y x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होता है 1। तो चलिए आगे देखेंगे, तो ये sec square है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sec 3x by 2 into sec 3x by 2, ये वैल्यू हो जाएगा। अच्छा डिनोमिनेटर में ये tan x है, tan x को कैसे लिख सकते हो, sin by cos, sin by cos मतलब ये हो जाएगा मेरा sin 3x by 2 divided by cos 3x by 2 into क्या है 3 by 2, ये वैल्यू आपको समझ में आया। अब देखिए ये जो cos है ये 1 by cos है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, sec में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये होता है आपका sec 3x by 2 into sec 3x by 2 अपॉन, ये तो साइन आपका था ही, साइन 3x by 2 था ही, और ये 1 by cos into अगर 1 ले लूँ तो ये 1 by cos हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec 3x by 2। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ वैल्यू कट आउट हो रही है, sec sec कैंसिल हो गया, sec sec अगर कैंसिल हो गया तो ऊपर आपका क्या बचता है, एक sec बचेगा दैट इज योर 3x by 2, और नीचे आपका क्या बचेगा, साइन 3x बाय 2, और बाजू में आपका क्या है 3 बाय 2, तो 3 बाय 2 को मैं समझो यहाँ पर लिख दिया। इसके आगे भी आप इस फॉर्मूला को सॉल्व आउट कर सकते हो, अगर आपको इसके आगे सॉल्व आउट करना है तो आपको sec को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा मुझे लिखना पड़ेगा 3 बाय 2 देखिए ये जो sec है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय cos, तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 3 अपॉन 2 और यहाँ पर इंटू ऊपर 1 रहेगा और sec नीचे आ जाएगा, तो पहले से यहाँ पर क्या था, साइन 3x by 2 था और यहाँ पर कौन आ जाएगा, cos 3x by 2, क्योंकि मैंने sec को क्या लिख दिया, 1 by cos लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन ये sin 2 sin x, 2 sin theta into cos theta मतलब sin 2 theta का फॉर्मूला, sin 2 theta का फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखूंगा, sin लिखने वाला हूँ और 2 theta मतलब 2 into 3x by 2, मतलब ये वैल्यू मेरा ऐसा हो जाएगा, देखो sin हो जाएगा, 2 theta लिखते हैं, 2 थीटा की जगह 2 इंटू 3x बाई 2 लिख रहा हूँ, तो 2-2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3 अपॉन साइन 3x, अच्छा 1 बाय साइन क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा 3 कोसेक 3x। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन के जितने क्वेश्चन है अपलोड किए सारे अगर आपने देखे, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।